इंदौर में करोड़ों की लागत के बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली गई। दिल्ली से होन लेबल सेक्रेटरी द्वारा ली गई। इस दौरान बैठक में निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित तमाम निगम अधिकारी और इस प्रोजेक्ट से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर शामिल हुए। प्रदेश में एकमात्र इंदौर में बनने वाले लाइट हाउस की जानकारी ली गई। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के समय सीमा को लेकर बताया कि एक वर्ष का समय रखा गया है। फिलहाल कोरोना के चलते यह प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को गति मिलेगी और शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया में केवल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जा रहा है। आपको बता दें, बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट लाइट हाउस दिल्ली सरकार द्वारा केवल इंदौर में स्थापित किया गया है, जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन कर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था। नगर निगम अपर आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि मध्य प्रदेश में एकमात्र शहर इंदौर है जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इस प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर प्रतिमाह समीक्षा की जाती है, जिसमें दिल्ली से सेक्रेटरी द्वारा पूरे काम की समीक्षा बैठक ली जाती है। अपर आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया इस प्रोजेक्ट को कई टेक्निकल इंस्टीट्यूट टीमों द्वारा अवलोकन किया जा चुका है। हालांकि कोरोना के चलते कुछ इंस्टीट्यूट टीम इसका अवलोकन नहीं कर पाए हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बाद लाइट हाउस का अवलोकन किया जाएगा। क्या समय सीमा रखी है ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए? एक वर्ष का अवधि रखा गया है। ड्यू टू कोविड रीजन इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन आखिरी में जब हम इसको प्रोग्रेस करेंगे तो विद इन 1 ईयर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कहाँ कहाँ संचालित हो रहे हैं प्रोजेक्ट? ऑल ओवर इंडिया में, मध्य प्रदेश में, केवल इंदौर में। थैंक यू सर। आज बैठक जो था लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे था, जो दिल्ली से ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब ने लिया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो एक बहुउद्देश्य प्रोजेक्ट है दिल्ली सरकार का, जो कि मध्य प्रदेश में केवल इंदौर शहर के अंदर ही स्थापित है, जिसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया था वर्चुअल द्वारा, और इंदौर मध्य प्रदेश में एकमात्र जो है शहर है जो चुना गया है। सर इसमें क्या कुछ चर्चा हुई? इसमें हर मंथ जो है प्रगति पर समीक्षा होती है, जिसके अंदर सेक्रेटरी साहब जो है प्रगति पर समीक्षा करते हैं। उसी प्रगति पे सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हम लोग हैं और वहाँ पर दिल्ली से सभी लोग जुड़ते हैं। सर लेबर की प्रॉब्लम भी आ रही है? अभी कोविड के कारण थोड़ा सा रहा है, लेकिन इतना भी इफेक्ट नहीं रहा। अभी भी वहाँ पर यदि देखेंगे तो कम से कम अंडर 100 जो है लेबर सब वर्क कर रहे हैं। इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेके दूसरे दूसरे इंस्टीट्यूट से, शिक्षण संस्थान से भी लोग देखने आने वाले थे, तो कितने संस्थान आके देख के गए हैं? अभी काफ़ी सारे जो टेक्निकल्स इंस्टीट्यूट से हैं, कम से कम मान के चले 6 से 7 टेक्निकल इंस्टीट्यूट आके देख के जा चुके हैं। और तो दूसरे भी अभी कोविड के कारण नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी वापस उन लोगों की सारी क्वेरीज वगैरह हैं, तो वो लोग अभी विजिट करना शुरू करेंगे।